के प्रोसीजर के 6 घंटे पहले आपका जो है सो आपको कुछ भी नहीं लेना है, मीन्स आप कोई पानी नहीं पी सकते हैं, कोई खाना नहीं खा सकते हैं। पेशेंट को उस दिन किसी भी हाईली परफ्यूम वाले साबुन या हाईली परफ्यूम कॉस्मेटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जब आपको इंजेक्शन शुरू हो गए हैं। इंजेक्शन जब पेशेंट को लगते हैं IVF के लिए, अंडे बनाने के लिए, तो उस दौरान आपको हम बोलते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लो। हाई प्रोटीन डाइट से हमें अच्छा रहता है, एग की क्वालिटी अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। साथ में आपका फ्लूइड इंटेक, मीन्स पानी जो आप पी रहे हैं उसका इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। उस दौरान भी आपको किसी भी नशे की चीज़ की सेवन नहीं करनी है, एंड पेशेंट को हम बोलते हैं कि तनाव से मुक्त रहें। ये कुछ चीज़ें जब हम इंजेक्शन लगाते हैं अंडे बनने के, उस वक्त फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। रेस्ट आपको किसी भी चीज़ का उस वक्त परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिस भी तरह का खाना खा रहे हैं, लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम उस प्रोसीजर पे आते हैं जिस दिन हम एग निकालते हैं, यानी अंडे निकालते हैं। वो एक बहुत ही अहम पार्ट प्ले करता है, अहम भूमिका रखता है, बिकॉज वो अंडे ही हम बच्चा बनने के लिए, मीन्स भ्रूण बनने के लिए यूज़ करते हैं। अब अंडे निकालने के पहले सबसे पहली चीज़ है, डॉक्टर आपको क्या बताता है, जो लास्ट इंजेक्शन लगता है। लास्ट इंजेक्शन के पहले आपके कुछ हार्मोन के टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपके एग हमें मिलेंगे या नहीं, अगर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। तो वो ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स बहुत बार वो ब्लड टेस्ट स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये ब्लड टेस्ट तो पीरियड के सेकेंड डे ऑलरेडी हो चुका है, जब अंडे बनने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। पर ऐसा नहीं होता है, वो ब्लड टेस्ट सेपरेट होता है, बिकॉज वो अलग दिन पर होता है और ये ब्लड टेस्ट अलग डे पर होता है। तो ये पेशेंट को इन्फॉर्म करने के बाद भी ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने अपने हार्मोन के वो टेस्ट रिपीट नहीं कराए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस दिन हार्मोन के टेस्ट रिपीट कराओ, बिकॉज अगर आपका हार्मोन उस लेवल तक नहीं आता है तो बहुत बार आपके जो अंडे निकालने का प्रोसीजर होता है वो कैंसिल हो जाता है या वो नेक्स्ट साइकिल पे ले लिया जाता है। सेकेंड है, जो अंडे निकालने के पहले एक लास्ट इंजेक्शन लगता है जिसको हम बोलते हैं एग मैच्योरिटी, मीन्स कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसको पकना ज़रूरी है, उसकी मैच्योरिटी ज़रूरी है। तो उस मैच्योरिटी के लिए हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि एग के रप्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो इंजेक्शन आपको टाइम पे लगना बहुत ज़रूरी है जब आपके डॉक्टर ने बताया, बिकॉज अगर उस इंजेक्शन पे आपने 5 मिनट भी ऊपर नीचे किया तो वो प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो प्रोसीजर को हैम्पर करता है, वो अंडे की जो क्वालिटी आती है उसको हैम्पर करता है। उस इंजेक्शन को आप फ्रिज में कैसे रख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंजेक्शन कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखा जाता है, वो फ्रिज के नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखा जाता है, और एक कोल्ड चेन नाम की चीज़ होती है, मीन्स आपको इंजेक्शन जिस तरह से सेंटर से दिया गया, मीन्स अगर आपको रात को इंजेक्शन लगने के लिए दिया गया तो ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल वापस आओगे, लेकिन उस दौरान आपको उसको बर्फ में लेके जाना है और लेके आना है। जिस तरह से आपको सेंटर में दिया गया है उसी तरह से आपको बर्फ में लेकर के वापस उस सेंटर पे आना है और वहाँ पे आपको इंजेक्शन लगवाना है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है और एक ही एक अहम भूमिका फॉर्म करता है ओवम पिकअप, यानी अंडे निकालने के प्रोसीजर के पहले। तीसरी चीज़ ये है कि अंडे निकालने के प्रोसीजर के 6 घंटे पहले आपका जो है सो आपको कुछ भी नहीं लेना है, मीन्स आप कोई पानी नहीं पी सकते हैं, कोई खाना नहीं खा सकते हैं। हाँ, जो औरतें डेफिनेटली थायराइड की मेडिसिन खा रही हैं, BP की दवा खा रही हैं, तो वो सिप्स ऑफ वाटर के साथ वो मेडिसिन परमिटेड होती है। पर अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स आपको स्पेसिफिकली बताते हैं कि कितने घंटे पहले आपको क्या खाना है, आपकी इंसुलिन की डोज कब लगनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त आप अपनी डॉक्टर की सारी सलाह मांगने, एंड साथ में जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं उनकी भी सलाह माने, क्योंकि वो भी आपको देखते हैं। और एक बेहोशी इसका एक अहम पार्ट होता है, क्योंकि बेहोशी करने के बाद ही आपके अंडे निकाले जाते हैं। तीसरी, पेशेंट्स को उस दिन किसी भी हाईली परफ्यूम वाले साबुन या हाईली परफ्यूम कॉस्मेटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितने खुशबू होती है वो सब आपके गैमेट को टॉक्सिक, मींस जो आपके शुक्राणु या अंडे होते हैं उनको मारते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस दिन किसी भी तरह का परफ्यूम सोप से भी नहीं नहाएं, कोई डिओड्रेंट नहीं यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा परफ्यूम हो, जिसमें खुशबू वाली चीज़ें, और आप अपने सारे नेल पेंट ज्वेलरी सब कुछ निकाल के आओ घर पे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि पेशेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चौथी, आपको बताया जाता है कि आप हस्बैंड और वाइफ साथ नहीं रह सकते। पिकअप वाले दिन यूजुअली हम हस्बैंड का शुक्राणु लेते हैं, तो यूजुअली उसके 2 या 3 दिन पहले हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन करना है। तो ये भी आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि अल्टीमेटली आपके एम्ब्रियो बनने में सहायक होती हैं। अब चले, हमने अंडे निकाल लिए, अब हम इसको एक और पार्ट आगे ले जाते हैं, मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, भ्रूण बनाने के पहले। उसके पहले हम आते हैं अंडे निकालने के बाद क्या करना, क्योंकि पेशेंट्स को ये भी सवाल होता है कि अंडे तो निकल गए अब हमें क्या करना है। अंडे निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जब आपके बेहोशी का असर खत्म हो जाता है, आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल या उल्टियां जैसी
तकलीफ़ फील होंगी वो बेहोशी की वजह से होती है, बेहोशी की दवाओं की वजह से होती है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, फिर आप नॉर्मल लाइफ बिल्कुल लीड कर सकते हैं। एंड आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मतलब थोड़ी सी तकलीफ रहेगी 2 से 3 घंटे तक, जो डॉक्टर्स ने दवा दी है उसको आपको टाइम पे खाना है और आपको कोई भी उस वक्त परहेज़ नहीं होता है। अगर आपकी फुली फ्रोजन साइकिल हो रही है मींस अगर आपके सारे ही गैमेट्स को फ्रीज किए जा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, फिर आपको नेक्स्ट साइकिल में ही फॉलो करना है। पर अगर आपकी उसी साइकिल में यानी फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र हो रही है तब आपको ज़रूर हमारे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले जो आपको प्रिकॉशंस ले लें वो आपको सुनना चाहिए।